दुनिया में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कुछ तो इतने खूबसूरत हैं कि हर किसी को इच्छा इन जगहों को घूमने की है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का एक पड़ोसी देश ऐसा भी है जिसके 99% हिस्से में समुद्र है। इस देश के कुल क्षेत्रफल का 1% पर ही जमीन है जहाँ आबादी निवास करती है। इसके बावजूद इस देश को देखने के लिए देश दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ, इस देश का नाम है मालदीव। बड़ी बात यह है कि एक समय मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए भारत ने सैन्य कार्रवाई भी की थी। भारत से नजदीकी के बावजूद मालदीव पर चीन का खासा प्रभाव है। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण इलाके में स्थित होने के कारण चीन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है। मालदीव का नाम मन में आते ही पहली तस्वीर जो दिमाग में आती है वो खूबसूरत ओवर वाटर लग्जरी विला, सफेद रेत से घिरे भव्य समुद्र तट और हैरतअंगेज वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मालदीव छुट्टियों के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में शुमार है। लोग बड़ी संख्या में स्कूबा डाइविंग करने के लिए भी मालदीव पहुंचते हैं। इतनी बड़ी तादाद में अंडर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने के बावजूद वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक इसके पानी के नीचे की परिस्थिति तंत्र के बारे में कोई कुछ नहीं सीख पाया है। अब मालदीव सरकार कोशिश मालदीव को अपने पाले में करने की होती है। मालदीव की जल सीमा से सबसे नजदीक स्थित भारतीय द्वीप मिनिकॉय की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। केरल के दक्षिणी बिंदु से मालदीप की इस द्वीप की दूरी मात्र 600 किलोमीटर है। ऐसे में अगर मालदीप में चीन की मौजूदगी बढ़ती है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।